इंडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नगरी प्रयागराज में जहां भारत भाग विधाता महर्षि भारद्वाज की 3 दिवसीय जयंती समारोह आज से शुरू हो गई है। आज 12 जनवरी माघ पंचमी को भारद्वाज आश्रम स्थित विशाल प्रतिमा स्थल पर एक पुष्प प्रयागराज के मूल पुरुष के नाम शोभा यात्रा आयोजित की गई। प्रयागराज विद्युत परिषद तक के तत्वावधान में उक्त आयोजन गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी हो किया गया। इसमें शिक्षाविद, न्यायविद व गणमान्य नागरिक भाग लिया। पुष्प अर्चन कार्यक्रम स्वामी हरि चैतन्य ब्रह्मचारी जी अगुवाई किया। महर्षि भारद्वाज की शोभा यात्रा महर्षि भारद्वाज की भारद्वाज चौराहे स्थित विशाल प्रतिमा जगत गुरु श्री धराचार्य की अगुवाई में निकाली गई। महर्षि भारद्वाज जयंती पर दिवस पर उक्त कार्यक्रम पवित्र गंगा यमुना के संगम पूजन और महर्षि भारद्वाज पूर्ण स्मरण कार्यक्रम के साथ समाप्त होगा। प्रयागराज विद्युत परिषद मंडल के द्वारा यह एक महर्षि भारद्वाज जी की शोभा यात्रा और प्रयागराज दिवस के उपलक्ष्य में निकाली गई है, जो कि पता को छोड़ करके नहीं हो सकती। और प्रयागराज एक धार्मिक नगरी है जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है। अभी वहाँ से भारद्वाज आश्रम से लेकर के और प्रयाग संगम तक की यह यात्रा है। इसमें जितने भी धार्मिक संगठन हैं, सभी अखाड़े द्वारे, सब कोई और जितने यहाँ के विद्वत मंडल हैं प्रयागराज के, जो जितने भी सभ्य जन हैं, उन सब की तरफ से इस शोभा यात्रा को बड़ी बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लिया गया है। और महर्षि भारद्वाज का आश्रम दिव्य और भव्य बने, इसी यही शुभकामनाओं के साथ में हम सब इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं, ताकि धर्म का विस्तार होता रहे और धर्म नगरी का महत्व बना रहे। महंत यमुनापुरी, पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी, प्रबंधक आलोपी देवी मंदिर, प्रयागराज। प्रयाग के परम पूज्य भगवान श्री भरद्वाज मुनि की भव्य शोभा यात्रा का दर्शन का लाभ प्रयाग के जनमानस को मिला। और हमारे शास्त्रोक्त लिखा गया है, त्रिवेणी माधवम सोमम भारद्वाजम च वासुकीम वंदे अक्षयवटम शेषम प्रयागम तीर्थनायकम। ऐसा तीर्थराज प्रयाग जिसके गौरव भगवान श्री भरद्वाज मुनि की, जिनकी शोभा यात्रा हमारे इस पावन भारद्वाज पुरम से निकल रही है, ये यहाँ के जनमानस के लिए बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है। और जिनके धाम पर स्वयं भगवान राम स्वयं आए और भगवान याज्ञवल्क जी ने स्वयं भगवान भरद्वाज मुनि को भगवान राम की कथा सुनाई, ऐसा यह पावन धाम, ऐसा माँ गंगा का यह पावन तट विशेष रूप से यहाँ के जनमानस के लिए और हमारी जन सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत ही पावन और पवित्र अवसर है। हम सभी को साधुवाद देते हैं और भगवान सबके हित और लाभ की हमेशा अनुशंसा करता रहे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे। धन्यवाद। जय श्री राम जी। मैं सतीश कुमार गुप्ता, अल्लाहपुर व्यापार मंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ। और आज माघ पंचमी, कृष्ण पक्ष की पंचमी पर महर्षि भरद्वाज जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है। उनको माल्यार्पण, पुष्प अर्पण करके और संगम तीर्थ तक जाके संगम किनारे विधवत माँ गंगा की आरती पूजन होके यात्रा का समापन होगा। ये महर्षि भरद्वाज के पूर्ण तिथि के पावन अवसर पर यह किया जा रहा है, जिसमें प्रयागराज के संत और सम्मानित नागरिक सब शामिल हो रहे हैं। यह विशाल यात्रा का उद्देश्य महर्षि भरद्वाज जी को लोग जाने, जो हमारे प्रणेता रहे, गुरुकुल के प्रणेता रहे, जब 10,000 शिष्य पढ़ते थे उन्हीं की याद में यह निकाला जा रहा है। सांडिल जानकी दास जी महाराज, पीठाधीश्वर सिंहबेरपुर। नगरी प्रयागराज जहां ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो ऐसे में शहर में अलाव की व्यवस्था ना होने पर आम आदमी पार्टी की महिला जिला अध्यक्ष पूनम सिंह व जिला अध्यक्ष डॉक्टर अल्ताफ अहमद के नेतृत्व में सड़कों पर उतरकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। पत्थर गिरजाघर स्थित धरना स्थल पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की है। साथ ही महापौर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं और जमकर महापौर के खिलाफ भी नारेबाजी की है। उनका कहना था कि अलाव की व्यवस्था नहीं है, ऐसे में गौवंश व आम आदमी ठंडी से ठिठुर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं आपको। चोरी बंद करो,
हम लोग नगर निगम से ये मांग करना चाहते हैं कि इतनी ठंड में, जबकि प्रयागराज में इतनी ठंड पड़ रही है बीते कई दिनों से, और इंसानों से लेकर के जानवर तक सभी ठंड के मारे कांप रहे हैं, और कहीं भी अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं नगर निगम कर रही है। तो हम लोग यही मांग करते हैं नगर निगम से कि वो जल्द से जल्द अलाव की व्यवस्था करें, जिससे कि गरीब इंसान के साथ साथ जानवरों की भी रक्षा हो सके। पूनम सिंह, महिला अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी। पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त ठंड अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन नगर निगम प्रशासन अलाव जलाने का नाम ही नहीं ले रहा है। हर साल सरकार वो फंड देती है अलाव जलाने के लिए नगर निगम को, लेकिन वो पैसा कहाँ गया? क्या लकड़ियाँ चोरी हो गई? आज बुरे हालात हैं आम आदमी के, जो गरीब आदमी हैं, जो सड़कों पर काम करने के लिए रोज़ निकलते हैं, लेकिन वो लोग ठंड से कपकपा रहे हैं। जो आवारा पशु हैं वो कपकपा रहे हैं। यहाँ तक कि गौ वंश का भी बुरा हाल है कि गौ माता भी जो है ठंड से एकदम कपकपा रही है, लेकिन नगर निगम प्रशासन कुछ भी सुध नहीं ले रहा है। इसको लेकर आज हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन पूरे प्रयागराज में अलाव जलाने की व्यवस्था करे और लकड़ी घोटाला बंद करे। संगम नगरी प्रयागराज, जहां रेलवे जंक्शन का एयरपोर्ट के तर्ज पर होगा नवीकरण, बता दें ये नज़ारा है नए रेलवे जंक्शन के डिज़ाइन का, जहां प्रयागराज जंक्शन पर अब एयरपोर्ट के तर्ज पर वेटिंग लॉन्च बनेगा, और जहां यात्री चेकिंग के बाद बैठेंगे। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आएगी तो अनाउंसमेंट के बाद ही यात्री वेटिंग लॉन्च से प्लेटफॉर्म पर जाएंगे। पूरा सिस्टम एयरपोर्ट के तर्ज पर अब जंक्शन पर भी होगा। ऐसे में जल्द ही नवीकरण का कार्य महाकुंभ से पहले कर लिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय का कि एयरपोर्ट के तर्ज पर नया रेलवे जंक्शन बनेगा और क्या खास व्यवस्थाएं होंगी, आइए सुनाते हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है कि रेल भारत के विकास का इंजन बने, तो उसी क्रम में उत्तर मध्य रेलवे के 3 स्टेशनों का अभी आने वाले भविष्य में पुनर्विकास का कार्य शुरू हो जाएगा। और भी स्टेशनों पर कार्य होना है, लेकिन मुख्य रूप से 3 स्टेशनों पर काम शुरू होने की स्थिति में आने वाला है जल्दी, जिसमें ग्वालियर, कानपुर और प्रयागराज है। जहाँ तक बात करें प्रयागराज स्टेशन की, तो साधारण भाषा में मैं बात करूँ तो प्रयागराज स्टेशन हमारा जब रीडेवलपमेंट होकर तैयार हो जाएगा तो एक एयरपोर्ट की तरह लुक आएगा, और प्रयागराज शहर को जैसा स्टेशन चाहिए वैसा स्टेशन हम देंगे। इसमें कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी होगा, एयरपोर्ट पैटर्न पे अराइवल डिपार्चर लाउंज होगा, लोगों को प्लेटफॉर्म पर इधर उधर वेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, उन लोगों के लिए अलग से कॉन्कोर्स एरिया बनेगा जहाँ हर प्रकार की सुख सुविधा होगी, आने जाने के लिए अलग व्यवस्थाएँ रहेंगी, टोटल एस्केलेटर और लिफ्ट का अरेंजमेंट रहेगा ताकि लोग आराम से ट्रेन पकड़ सकें और ट्रेन से अपने जो प्रयागराज पे उतरते हैं वो अपने गंतव्यों को जा सकें। क्या आपको अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में ये बातें मालूम है? नहीं तो जानिए हमारे साथ। चंद्रशेखर आज़ाद पहली बार कोर्ट में जब पेश हुए तो उन्होंने कोर्ट में अपने आप को आज़ाद बताया था। वहीं अंग्रेज़ों ने इनका इनकाउंटर करने के लिए जब इन्हें घेर लिया तो इन्होंने कई अंग्रेज़ों को ढेर भी कर दिया था, और साथ ही इन्होंने जब आखिरी गोली इनकी मौज़र में बची तो अपने आप को ही गोली मारकर शहीद कर लिया था। ऐसे में युवाओं में किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के नाम से जोश भरता था, ऐसे में क्या कुछ कहना है वरिष्ठ समाज सेवी बाबा भय अवस्थी का, आइए सुना। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद इस देश के युवाओं नौजवानों की धमनियों में बहते हुए खून का रोल मॉडल है। खून में जो रवानगी है, जो आक्रोश होता है, जो बगावती तेवर होता है, उसके प्रतीक अब बन गए हैं चंद्रशेखर आज़ाद। ये इलाहाबाद का जो है फक्र है, ये गर्व है इलाहाबादियों को कि चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने जो है प्राणों की आहुति इस पवित्र भूमि इलाहाबाद में अंग्रेजों का मुकाबला करते हुए दिया। उनका लक्ष्य था जीवन का। एक बार कोर्ट में पेश हुए थे तो कहा मैं आज़ाद हूँ, और अपने मरते दम तक सिद्ध किया कि मैं आज़ाद हूँ, आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा। जब अंग्रेज़ों ने घेर लिया उनको चारों तरफ से,
अब गोलियां तड़ चलती रही जो है आसपास विश्वविद्यालय और इधर आपके कंपनी बाग के तरफ, जो उस ज़माने में कंपनी बाग कहा जाता था, एल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, गोलियां तड़ चल रही थी। चंद्रशेखर आज़ाद के मौजूर में जितनी गोलियां थी तब तक मुकाबला किया, कई अंग्रेज़ों को भी उन्होंने जमींदोज किया। जब आखिरी गोली बची और लगा कि अब जो है एम्यूनिशन हमारे पास है नहीं, अंग्रेज पकड़ लेंगे तो ले जाएंगे, जो है पता नहीं फांसी चढ़ाएंगे क्या करेंगे, तो उन्होंने आखिरी गोली अपनी कनपट्टी पे लगाया और अपने को मार लिया। लेकिन अंग्रेज उन तक पहुंच नहीं पाए और घंटों अंग्रेज डर के मारे पीछे खड़े थे कि कहीं जिंदा ना हो फिर ना फायर कर दे। ये थे चंद्रशेखर आज़ाद। तो वो एक तरीके से शौर बगावत के प्रतीक हैं। और सबसे बड़ी बात, अंतिम बात कह रहा हूँ कि जब मोछा टेने की बात जो है, जो भारतीय वांग्मय में एक कहावत है, मोछा टेक ललकारना, वो चंद्रशेखर आज़ाद ने हम नौजवानों को, इस देश के लोगों को मोछा टेना सिखा दी। संगम नगरी प्रयागराज में जहां अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान राहुल गांधी के पत्र को गांव-गांव जाकर सौंपेगी कांग्रेस, 26 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक चलने वाले हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर की गई बैठक, जिसमें कांग्रेस नेता अब्दुल सलाम ने जानकारी देते हुए बताया कि अब ये बैठक इसलिए की गई है जहां गरीब लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा और नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा और किसानों को खाद नहीं मिल रहा, इन जैसी समस्याओं को देखते हुए ये बैठक की गई थी। लोगों को उनका हक दिलाने के लिए कांग्रेस अब इस अभियान को छेड़ेगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष माननीय ब्रिजलाल जी की अध्यक्षता में ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक की गई है, जो कि 26 जनवरी से शुरू होगी और 30 मार्च तक चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत हम सभी कांग्रेसजन, जो आज भाजपा ने इस देश में भय का माहौल बना रखा है और लोगों में नफरत बांट रही है, इन सब से अलग हम लोगों में माननीय राहुल गांधी जी की विचारधारा और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर लोगों के बीच जाएंगे और कांग्रेस के बारे में लोगों को बताएंगे। आने वाले समय में हमारे देश में परिवर्तन होगा और सत्ता परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है। छात्र हों, किसान हों, सेना के जवान हों, छात्र शिक्षित हैं लेकिन बेरोजगार बैठे हैं, किसान हैं उनको उस तरह से फसल के लिए सुविधा नहीं मिल रही, उर्वरक नहीं मिल रही, खाद नहीं मिल पा रहा है, किसान बेपनाह परेशान है, जो उनके पास फसल तैयार है उनका मुनासिब रेट नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम इस अभियान के तहत घर घर लोगों तक जाकर कांग्रेस की बातों को और उसकी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। अब्दुल सलाम, कांग्रेस नेता, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, अगर पढ़ने की चाह हो तो कैसे भी आदमी करके पढ़ लेता, अक्सर कई लोगों ने तो सड़क किनारे लैंप की रोशनी में भी अपनी पढ़ाई की है। वहीं गोंडा के रहने वाले विनय अब प्रयागराज में अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही वे बैंक रोड पर पूरी सब्जी बेचते हैं। उनका कहना है कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और ऐसे में वे यहाँ पर दुकान लगाकर पूरी सब्जी पार्ट टाइम बेचते हैं और शाम को अपनी पढ़ाई में खो जाते हैं। गोंडा के रहने वाले विनय बैंक रोड पर ही अपनी दुकान चला रहे हैं और ऐसे में इससे पार्ट टाइम जो पैसे नहीं मिलते हैं उससे वे अपनी पढ़ाई करते हैं। ऐसे में विनय का कहना ये भी है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से प्रेरणा लेते हुए ये काम शुरू किया है। ऐसे में विनय का क्या कुछ कहना है, आइए सुनाते हैं। और ये हमारे बुआ के लड़के के भैया का दुकान है, हम यहाँ पे आए थे घूमने तो भैया का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं और हम बी कॉम सेकेंड सेमेस्टर के साथ हम के वी एस केंद्रीय विद्यालय आई मतलब मुंडा से पढ़े हैं कॉमर्स साइड से और ये अब कर रहे हैं, फिर यहाँ से तैयारी कर रहे हैं। सुबह हम इसको अपना करते हैं पार्ट टाइम पे और हम प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना से प्रेरित हुए हैं, इसलिए हम अपना ये कर रहे हैं, रहे। जहां सभी विद्युत कंपनियों ने सीएम योगी को विद्युत के दर बढ़ाने के लिए प्रस्ताव भेजा है, तो ऐसे में अब व्यापारियों में भी समस्या बढ़ गई है। ऐसे में शाहगंज व्यापार मंडल के अध्यक्ष अनिमेश अग्रवाल ने सीएम योगी से अपील की है कि बिजली की दरें ना बढ़ाई जाए। ऐसे में उन्होंने क्या कुछ कहा है अपील करते हुए, आइए सुनाते हैं।
शाहगंज सर्व व्यापार मंडल प्रयागराज उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मंडी। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपने व्यापार मंडल के माध्यम से आपसे विनम्र अनुरोध और अपील करता है, कृपया उत्तर प्रदेश में वर्तमान विद्युत दरों की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को निरस्त करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, संपूर्ण प्रदेश में इस प्रस्ताव का हम व्यापारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है, यह हमारे लिए हितकर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं अनिमेश अग्रवाल, प्रदेश महामंत्री आईटी सेल, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, समस्त प्रदेश के व्यापारियों और अपने व्यापार मंडल प्रयागराज स्थित शाहगंज सर व्यापार मंडल, जो कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक की एक मशहूर मार्केट है, कि व्यापारियों की ओर से और अन्य सभी व्यापार मंडलों की ओर से, प्रदेश के समस्त व्यापारियों की ओर से आपसे गुहार करता हूं, कृपया इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करते हुए निरस्त करने की कृपा करें। इसके प्रभाव से हम व्यापारियों के व्यापार पर विपरीत असर पड़ सकता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट शाहगंज में विद्युत उपकरणों का व्यवसाय काफी मात्रा में होता है। दरों के बढ़ने के कारण से हमारे व्यवसाय पर विपरीत असर पड़ने का पूरा अंदेशा। नगरी प्रयागराज, जहां बीएसएनएल ऑफिस भारत संचार निगम लिमिटेड के दफ्तर में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। अकाउंट सेक्शन में लगी आग में लाखों के फर्नीचर व पुराने जरूरी रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग किन वजहों से लगी फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका जताई जा रही कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट है। हालांकि आग लगने की घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। फाइल्स वगैरह है वही इसमें जला है और कुछ नहीं है, ये बिल्डिंग यूज में नहीं आ रही है। अब ये आग समझ में नहीं आ रही है कि इसे, अब ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि कैसे लगी है, पर यहाँ पर तो कुछ नहीं है, मतलब ना कोई स्टाफ बैठता है ना कुछ है। लाख बिल्डिंग है और सब पुराना सामान, फर्नीचर और कुछ फाइल्स पड़ी हुई है। किस चीज़ की बिल्डिंग? ये बिल्डिंग पहले यूज में आ रही थी, ऑफिसेज वगैरह चल रही थी। फाइल वाली सब रखी है? फाइल पुरानी है, वो यूज में नहीं आ रही। परिचय बता दीजिए। रमेश प्रसाद, मैं GMBSNL। ये फायर स्टेशन को सूचना मिली कि टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे, सिविल लाइन थाने के पीछे, नवाब यूसुफ अली रोड पे पुराने टेलीफोन एक्सचेंज में आग लगी हुई है। यहाँ करके मौके पर देखा गया तो आग सामने के तीन कमरों में, जिनमें मुख्यतः कबाड़ भरा हुआ था, उनमें धुआं भरा हुआ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो उससे फायर टेंडर से आग बुझाना प्रारंभ किया गया। उसके बाद धुएं जब कुछ दिखाई देना शुरू हुआ तो अंदर एक बड़ा बैडमिंटन हॉल है, वहाँ पर अलमारियों में जो फाइलें रखी हूँ उसमें 6-7 अलमारियों में आग लगी थी, उन्हें पलट पलट करके उनको बुझाया गया। अब BSNL के अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं और उनसे जो कबाड़ वगैरह है उसका सहयोग लिया जा रहा है कि उनको बाहर निकलवाएं, जिससे आग सावधानीपूर्वक बुझा लिया जाए, नहीं तो धुएं की वजह से समस्या उत्पन्न हो रही है। कैसे लगी पता चलेगा? आग लगने का तो कारण नहीं क्लियर हो पा रहा है। जब कहीं कोई चीज़ स्पष्ट नहीं होगा तो बिजली से समझा जाएगा कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, लेकिन अभी उसके भी वहाँ कोई प्रमाण नहीं दिख रहे हैं कि लाइट थी या कैसे क्या नज़दीक हुआ। ये स्थिति है, आग अभी लगी हुई, अभी कम से कम आधा पौन घंटा लगेगा बुझाए जाने में। ठीक, मैं अग्निशमन अधिकारी सिविल लाइन नागेंद्र द्विवेदी। ठीक, देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।